What? Zarkhanai. Zarkhanai TV is out? Madina. Yes. Center, right? Yes. For what? Shopping? Shopping, yes. तो हमारे दोस्त हमारे कार लेके आ चुके हैं. Hey guys, स्वागत है आप लोगों का आज के नए व्लॉग में. आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे. चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं. आज है भाई संडे का दिन, तो छुट्टी वाला दिन है. लाइब्रेरी में गए तो भाई लाइब्रेरी में फुल भीड़ हो रही थी, तो भाई सोचा कि ये लोग तब तक चले जाएंगे, तब तक अपन जाकर के कुछ दो तीन चीजें ले आते हैं मार्केट चल के. तो भाई आज की इस वीडियो में मैं जा रहा हूँ भाई अपने मेगा सेंटर, क्योंकि भाई बड़े बड़े मॉल यही है और दो तीन मॉल ही है. तो भाई सुना है कि थोड़ी बहुत सेल चल रही है और मेरे को चाहिए भाई बूट्स, क्योंकि भाई थोड़े दिनों में सर्दी होने वाली है और बर्फ वगैरह गिरने वाली है, तो भाई पैरों में पड़ जाएंगे छाले और समझ लो कि हालत खराब हो जाएगी पैरों की ठंड में. सो गाइस मेरे जस्ट पीछे खड़ी है दो गाड़ियां जो कि बजट में काफी बढ़िया है. एक तो भाई ये खड़ी है मेरे पीछे Hyundai की Elantra N लाइन, आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो, बड़ी जबरदस्त गाड़ी आती है और N लाइन Hyundai में जो आता है भाई वो परफॉर्मेंस है, तो गजब है भाई एक नंबर बंदा रेव कर रहा है. व्हाट्स योर नेम? इस्कंदर. तो भाई भाई के पास है Elantra N लाइन, तो ब्रदर कैन यू रेव? Yeah, my boy. Nice. दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ कार को रेव करने के लिए, चलिए आप लोगों को दिखा गया. जमा काली लेके घुमा सरे आम शहर में दुनाली लेके तो यार फाइनली उतर गए हैं बस से एंड सामने है मेगा सेंटर. चलो चलते हैं, दिखाता हूँ कुछ सेल वगैरह चल रही होगी तो देख लेना और आ जाना भाई लेने के लिए. दोस्तों मैं बावड़ा हो रखा हूँ गाड़ियों के पीछे, जहाँ पर भी जाता हूँ मेरे को एक से एक गाड़ियाँ मिल जाती है. अभी मेरे सामने खड़ी है जिनेसिस की, मतलब Hyundai की Elantra आपको दिखा दी भाई कितनी बदमाश गाड़ी है. तो Hyundai का जो है वो थोड़ा सुप्रीम ये लग्जरियस ब्रांड है जिनेसिस, आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे हो. ये रही यह है जिनेसिस जो कि इंडिया में जो कोरिया के एम्बेसडर है साउथ कोरिया के, उनको ये गाड़ी दे रहे, मतलब वो लेके आए हैं जो वहाँ के एम्बेसडर है अपने कोरिया के अपने इंडिया में, उनके पास ये जिनेसिस की गाड़ी. देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल है. मैं भी मेगा सेंटर वाले इलाके में और ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई पोर्श इलाका हो भाई, सारी बदमाश बदमाश गाड़ियाँ खड़ी है यहाँ पे. मदीना. तो गाइस ये यहाँ की कजाक गर्ल्स है. यू नो इंग्लिश? यस. वाओ मेगा सेंटर है? यस. फॉर व्हाट? शॉपिंग? शॉपिंग यस. वाओ वी आल्सो गो फॉर शॉपिंग. कैन यू सजेस्ट? कैन यू सजेस्ट सम ब्रांड्स फॉर शॉपिंग? शॉपिंग ज़ारा यार. ओटो मदर हां H&M तो गाइस बात बात की यहाँ की लड़कियों से, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी देर से देख रही थी, सोचा मैं ले लेता हूँ वीडियो में, अच्छी लड़कियाँ हैं. सो गाइस सामने आ गया है मेगा सेंटर एंड सामने वो जा रही है दोनों लड़कियाँ जिनसे भी बात हुई थी, और ये सब की सब मेरी जानकार है, जितनी लड़कियाँ देख रहे हो आप सब मेरे को जानती है. ये रहा भाई मेगा सेंटर जो कि यहाँ का सबसे बड़ा मॉल है, सब लोगों को देखने को मिल ही जाएगा कि भाई कहाँ पर क्या सेल लग रही है, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पे शॉपिंग करने आए हुए हैं और साथ में लड़कियाँ तो अभी हमारा वेट कर ही रही है अंदर, वो बोल के गई है कि हम अंदर आपका वेट कर रहे हैं, चलिए उनसे मिलाते हैं. दोस्तों ये वाकई में काफ़ी बड़ा मॉल है और मतलब यानी अगर आपको गरीबी एहसास करनी है ना तो आप इस मॉल में आ जाना. सभी आए भाई सबसे पहले न्यूयॉर्कर में देखने के लिए, और मेरे को तो लेने नहीं है वैसे कपड़े वगैरह, कपड़े लेने हैं दोस्त को, मेरे को तो भाई सिर्फ बूट्स लेने हैं. तो भाई ये शर्ट इसको पसंद आई है तो ये शर्ट ले रहा है सोहेल. शो सो गाइस डन, थैंक यू स्पासिबा. सो गाइस अभी हम जा रहे हैं एडिडास के में, तो इस शूज को देखो इतना गजब आता है भाई. अब इसकी रेट देख दो यहाँ पे, तो दोस्तों इसकी जो रेट है वो है 1,39,000 या 40,000 ही मान लो. सारा जिंदगी में यहाँ पे आकर के बस एक ही मोटिवेशन मिली है कि ऊपर वाला है, बस अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो ऊपर वाले इतनी सी रिक्वेस्ट है भाई इतना दे दे कि बस सोचना ना पड़े कुछ भी खरीदने से पहले, बस जो भी खरीदना हो बस चलो निकाल के ले आओ. तो दोस्तों अभी मैं हूँ भाई ज़ारा में और जो मेरे को बूट्स चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल तो है,
को ये वाला पसंद आया है, ये बूट्स। बट भाई इसकी प्राइस आप लोगों को बता दूं, ये है अराउंड भाई 64,000 टेंगे का, विच इज़ अराउंड 14-15 हज़ार रुपये के आसपास। ओह माय गॉड दोस्तों, तुम देखो भाई इस शूज़ को कितना यूनिक लग रहा है। ज़रा देखो यहाँ से, करीब से देखो कितना प्यारा लग रहा है। लंबा हो गया। सो गाइस देखो कैसे लग रहा है, सोल कैसे लग रहा है, गाइस देखो ऐसे लग रहे हैं भाई, कितने प्यारे लग रहे हैं। नाइस, लाइट वेट। तो गाइस ऐसा कुछ है, ये चेल्सी शूज बोलते हैं इनको। ये चाइनीज कंपनी और इसका इंटीरियर आप लोगों को दिखाता हूँ भाई। ये ऐसा कुछ ऐसा इंटीरियर है, ये देखिए सामने कुछ ऐसी स्टीयरिंग व्हील दे रखी है और गाड़ी है भाई फुल्ली ऑटोमेटिक, येरी गियर्स। और इसका जो एलईडी कंसोल है थोड़ा छोटा है, जबकि उधर चेरी वाली खड़ी है, चेरी का ज्यादा है। एंड पीछे का जो बूट स्पेस वगैरह है वो भी ठीक ठाक है, पीछे 3 लोग हो जाएंगे एंड आगे 2 लोग हो ही जाएंगे। और काफी बढ़िया है, एडजस्टेबल है, मेमोरी सीट का दे रखा है, फंक्शन वगैरह ठीक ठाक है। और क्या प्रीमियम लग रही है देखो। तो ये रही टैंक की, चलो टैंक में बैठा था आपको। तो कुछ इंटीरियर है टैंक का, टैंक तो आती भाई एक नंबर है, देख लो यार। और क्या तगड़े इसके एसी विंड्स दे रखे हैं, लाइक जो मर्सिडीज में होते हैं वैसे दे रखे हैं। देखो भाई क्या तगड़ा इंटीरियर है। सो गाइज ये जो कार देख रहे हो ये है भाई टैंक, जो कि चाइनीज कंपनी की कार है थोड़ा पास में। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कस्टमर्स के लिए काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जबकि इंडिया में आपको पता है ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती, काफी सारी वैरायटीज अवेलेबल नहीं होती लोगों के लिए, तो यहाँ पर लोगों को काफी सारे ऑप्शन दिए जाते हैं। तो जैसा आप लोगों ने देखा भाई कितनी तगड़ी है, और अगर इंडिया में आए तो इंडिया में लोगों को क्या है फॉर्च्यूनर वगैरह से फुर्सत ही नहीं, लोग उसके आगे कुछ सोचते नहीं, स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर। बट इन गाड़ियों को देखो यार, अगर इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल हो तो भाई दिमाग हो जाए इंडिया में, बट अब चीजें होने वाली नहीं है इंडिया में, आप लोगों को पता है। चाइनीज कंपनी है ये भी, इसकी ये कार है आप लोग देख सकते हो, ऐसा कुछ इसके अंदर का कंसोल आप लोग देख सकते हो। और ये कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक गाड़ी है, जैसा कि आप लोग सामने देख सकते हो, बैटरी है 56%। काफ़ी कुछ है, कप होल्डर्स दे रखे हैं आप लोगों को, यहाँ पे इतने सारे मैनुअल्स के ऑप्शंस है, इतने सारी चीज़ें यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। सामने पूरा एक टैबलेट टाइप चीज़ लगी हुई है, स्क्रीन टाइप लगी हुई है, जैसे कि सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो। सामने का डिस्प्ले अलग है, जहाँ पर आप स्पीडोमीटर वगैरह सब कुछ दे रखा है। सामने बैटरी वगैरह को रिप्रेजेंट करता है, कितनी आवर्स चली है, कितनी चार्जिंग बाकी है, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशनड है। तो और क्या चाहिए भाई, अगर इंडिया में ऐसी गाड़ियाँ हैं तो भाई लोग जरूर लें। क्यों सोहेल, हम जा रहे हैं भाई थोड़ा खाना वाना खाने के लिए, तो बर्गर खाने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है सलाम ब्रो। तो गाइस बर्गर आ गया है अपना, मैंने तो नॉर्मल मंगाया है। मैं ना इसको ले जाने की सोच रहा हूँ अपने हॉस्टल में, सोहेल इसको ले चलते हैं हॉस्टल में। सो गाइस मैं लेके जा रहा हूँ ये, इसको मैं अपने पास रखूंगा। तो ये रियलिस्टिक भी लग रहा है भाई, देखो कितना हम तो भाई बंटवारा कर लेंगे, लेकिन इसको जरूर लेके जाएंगे, कितना अच्छा लग रहा है। सो गाइस मुझे लाइब्रेरी में ये 2 बुक्स पसंद आई थी, एक तो अपने महात्मा गांधी जी की है और एक दूसरी है सराउंडेड बाय इडियट्स, ठीक है। तो ये काफी अच्छी बुक्स है, अब इसकी प्राइस वगैरह देखते हैं, प्राइस शायद इसी में लिखी होगी। तो ये सराउंडिंग बाय इडियट्स ये है भाई 15,950 टेंगे की, ये गरीब की। सो गाइस अभी हम इसी बुक को चेक कर रहे हैं इंडिया के अमेज़न पे, देखो कितने की मिलेगी बताओ यार। 300 रुपए की मिल रही है और यहाँ पे 3,500 रुपए की मिलेगी, मेरा तो खून खोल जाता। तो दोस्तों यार अभी राहत हो गई है। सो गाइस यार हम लोग वेट कर रहे हैं हमारे उन्हीं दोस्तों का, जो जिनसे भी हम लोग मिले थे, आप लोगों को पता होगा जिनके पास ह्युंडई की कार थी लांट्रा, तो उन लोगों ने मैसेज किया कि विजय हम 10 मिनट में यहाँ पे पहुँच रहे हैं मेगा सेंटर पे, तो उन्हीं का वेट कर रहा हूँ मैं। 10 मिनट का बोले हैं अभी तक क्या, और बोल रहे हैं कि ट्रैफिक जाम भी काफी ज्यादा हो रहा है, तो वेट कर रहे हैं। तो हमारे दोस्त हमारी कार लेके आ चुके हैं, इस
हाँ। तो भाई हमारे दोस्त हमारी गाड़ी लेके आ चुके हैं, वही वाली। चलो चलते हैं। मैक्स दवाई थी ब्रत। हाउ आर यू? आई एम फाइन। मैक्स यू आर ग्रेट ड्राइवर मैन। दिस इज माय फ्रेंड मैक्स। मैक्स हाउ आर यू ब्रो? आई एम फाइन। सो भाई ये हम लोगों को मिल गए थे और हम लोगों को लेने भी आ गए हैं ये लोग मेगा सेंटर पे। तो भाई यारी दोस्ती के मामले में बहुत अच्छे लोग होते हैं। और पीछे ब्रो हाउ आर यू? आई एम गुड। ये हमारा दोस्त है। तो हम लोग अभी मिले, जैसे कि आप लोगों ने देखा, तो अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे घर पे और एन लाइन इलेंट्रा में जा रहे हैं। एंड पीछे सोहेल कुरैशी, हाउ आर यू ब्रो? आई एम गुड। लोगों ने कार को यहाँ पे पार्क कर दिया है। सो ये रही अपनी कार, अब चलते हैं थोड़ा।